ऐसा बातचीत करके सब हमारे जितने किसान जत्थे मंडी के लोग थे वे वापसी जा रहे थे। वीडियो सामने ना आती तो हमारे किसान ही दोषी हो गए थे। वीडियो सामने आई, प्रेस के लोग के पास में वे वीडियो पहुंची, इन्होंने पूरे क्षेत्रों के ऊपर चलाई और जब पूरे देश में ये मैसेज गया कि गलती किसान की नहीं, गलती जो यहाँ का मंत्री है, क्योंकि उसने आंदोलन की शुरुआत कुछ दिन पहले कर दी थी। उसने कहा कि मैं विधायक, एमएलए, एमपी और केंद्र में मंत्री, मेरे लिए छोटी चीज है, लेकिन और हूँ और जो जिस जिले में क्या से दूसरा है। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री उसके जो पद है वो छोटा है, उसके लिए उसका पूरा क्षेत्र में जो 100 किलोमीटर का पूरा क्षेत्र है उसकी टेरिटरी है। लोग उससे डरते हैं, आपसे उनके अधिकारी मौजूद थे, उत्तर प्रदेश के अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। एक सरलता से जो फैसला हो सकता था, आप सब लोग की सहमति से वो फैसला हुआ, उसमें मंत्री के ऊपर के अभी ये जो गिरफ्तारी है, जो भी पूछताछ हो रही है, अभी रेड कार्पेट गिरफ्तारी है, कालीन बिछा के गिरफ्तारी हुई है। अभी जो पूछताछ है, जो उसका रिमांड है, वो रिमांड देश गुलदस्तों पे आधारित रिमांड है। रिमांड करे तो गुलदस्ता उसके हाथ में है, किसी अधिकारी किसी पुलिस कर्मचारी की हिम्मत है कि देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे से कोई पूछताछ कर ले? वकील उसके साथ में अंदर रहेगा पूछताछ में? क्या पुलिस प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग उसको माला उसके गले में डाल के जब बताएंगे 302 का मुंदिम के बताओ कि आपने कैसे कैसे प्रोग्राम करा, माला डाल के कोई पूछताछ होती है? जब तक पुलिस थाने में बंद नहीं होंगे बापू बेटे अलग अलग कोठियों में, पुलिस की आइडेंटिटी छुपी रहेगी कि किसने पूछताछ करी, जब तक इस केस का खुलासा नहीं होगा। गाड़ी फार और भाई फोर गेयर लगा हुआ, क्या कोई कीचड़ या धान का खेत था कि वो उसमें निकलती थी? और भाई फोर गेयर इसलिए लगता है कि गाड़ी ना रुके, थार गाड़ी इसलिए आकर करी गई, ये बार रुकती नहीं, जब रुक भैया उससे चलते हैं वहां कीचड़ में को नदी में को नहीं उठ जाके लोग टकराएंगे, वो स्लिप ना करे इसलिए 4x4 गेयर लगाया गया। 20 से ज्यादा लोग घायल हैं, अपनी लोग आइडेंटिटी नहीं बताना चाहते, ये किसान से गुंडा करती है। यह आंदोलन हमारा जब तक चलेगा, जब तक मंत्री का इस्तीफा, उसकी गिरफ्तारी, उन दोनों का रिमांड नहीं होता। अभी यह अधूरा है, इसीलिए ये प्रोग्राम रखे। आज का जो अंतिम अरदास का प्रोग्राम है वो आज हुआ, आज के बाद में जो 15 तारीख आएगी उसमें पुतले दहन होंगे, वे कहां कहां होंगे वे सब लोग उसको डिसाइड कर देंगे। जो सेंसिटिव क्षेत्र हैं वहां पे ना करें वो तय कर लेंगे। 18 तारीख को राज्यपाल जी ने वो जो 6 बजे का है, 6 बजे का नहीं, वो 6 घंटे हैं, 10 बजे से 4 बजे तक, 6 घंटे और 4 बजे तक ट्रेनें जा रहेगी पूरे देश भर में। और जो 80 कलश है ये हमारे जिले और प्रदेश में जगह जगह लाएंगे, इनको लोग श्रद्धांजलि देंगे, अपने आगे के प्रोग्राम की तैयारी करेंगे। और इनको 24 तारीख को जहां पे भी हम इनको प्रवाह करते हैं अपने क्षेत्र में, वहां विधि विधान से इनको प्रवाह वहां पे करेंगे। 26 तारीख की बड़ी पंचायत लखनऊ में है, उसकी तैयारी हमको करनी है। उसके बाद में आके जो भी प्रोग्राम होंगे, जो भी संयुक्त मोर्चा तय करेगा, जो भी हमारी लीडरशिप तय करेगी, उसके आगे के प्रोग्राम बनाएंगे।